इंफोसिस सर्विस की ओर से युवतियों व महिलाओं को मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म देते हुए आइकॉन ऑफ कल्चर कार्यक्रम करवाया गया। डीएवी गर्ल्स कॉलेज में हुए कार्यक्रम में विभिन्न टाइटल के लिए 70 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें रमनदीप मिस और शिखा को मिसेज हरियाणा 2019 चुने गए। इतना अच्छा यहाँ पार्टिसिपेट किया, मैं जितनी देर का बैठा हूँ अभी तक ना गर्ल्स ने ही परफॉर्म किया। एक बार देश की बेटियों के लिए जोरदार ताली मारो। इसी ने मेरे से अमन जी पूछा था कि खुशी को एक शब्द में लिखो, तो लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं, कोई मोबाइल में, कोई बुक्स में देख रहे हैं। मैंने फटाक से बेटी लिख दिया था। बेटियां देश की वाकई शान है। और डोली मैम आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे को किसी ने बोला खुशी को तीन शब्दों में लिखो, तो मैंने लिख दिया था बीबी मायके गई। कार्यक्रम किया, मैं उनको इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ। और सबसे जैसे भी जसपाल जी बोल करके गए, भट्टी साहब जूनियर, ऐसा सुंदर कार्यक्रम जो प्रतिभा निखारने का काम जिन्होंने यमुनानगर में किया, ऐसे अमनदीप जी और भारती जी को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। में सुमन शर्मा रनअप रहे। किड्स में यशस्वी फ्रेम द्विवेदी को प्रिंसेस 2019 टाइटल के लिए चुना गया। विजेताओं को विधायक घनश्याम अरोड़ा व नगर निगम मेयर मदन चौहान ने सम्मानित किया। नए साल में एक और इवेंट लेके आ रहे हैं, जिसमें यहाँ के यमुनानगर में जो नया एक तरह का शो होगा, उसमें एक हम लोग बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं बच्चों के लिए, मिस के लिए और मिसेज के लिए। एक हमने एक लास्ट इवेंट जो किया है, इसमें हमें बहुत अच्छी सफलता जो है हमें मिली है। हम नेक्स्ट टाइम भी एक बहुत बढ़िया इवेंट जो है लेके आएंगे यमुनानगर के लिए। इन्फोटेक सर्विस के ओनर अमनदीप सिंह ने बताया कि ऑडियंस के जरिए प्रदेश भर से चयनित 70 प्रतिभागी चुने गए थे। नए फैशन के रैंप वॉक सहित अन्य राउंड में 3 टाइटल के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी चुने गए।
हम लोग चाह रहे हैं कि जो यहाँ की टीम्स हैं उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, जो अपने जो भी उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है उनको हम लोग नया प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं उनके लिए, उनके लिए हम लोग डॉक्यूमेंट्री प्लान कर रहे हैं। एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था मिस एंड मिसेस हरियाणा 2019, फ्रेंड्स एंड प्रिंसेस हरियाणा 2019, जिसमें हमारे पास लगभग 70 प्रतिभागी थे जो कि हरियाणा से थे, ऑल ओवर हरियाणा से प्रतिभागी आए हुए थे, जिसमें कुछ चंडीगढ़ से भी थे, लोकल भी थे हरियाणा, जगाधरी, यमुनानगर, बराड़ा, रादौर, करनाल, काफी जगह से हमारे पास प्रतिभागी आए हुए थे, जिसमें हमारे जजेस जो थे वो चंडीगढ़ से भी थे और यमुनानगर से भी थे। चंडीगढ़ से जज आई हुई थी नेहा जुनेजा, मिसेस इंडिया एशिया रह चुकी हैं वो 2019 की। रुचिका चुक वो सेलिब्रिटी और मॉडल है, ऑनलाइन लेक्चरार भी हैं। तीसरी जज थी हमारी मीतू सलूजा मैम, जो कि यमुनानगर की एक फेमस पर्सनैलिटी है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि रहे थे मेयर मदन चौहान जी और एमएलए घनश्याम दास अरोड़ा जी, उनकी उपस्थिति में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था।